भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 सालों में कमी आई है। साल 1950 से लेकर 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी करीब 7.82% घटी है। वहीं इस दौरान मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। 1950 में देश में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो कि 2015 में घटकर 78.06% हो गई है। वहीं 1950 में देश की आबादी मुस्लिम की जो आबादी थी वो 9.84% थी, 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी। अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी है। तो ये रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें आबादी का जिक्र किया गया है। आबादी को लेकर ये 1950 से लेकर 2015 तक का आंकड़ा है। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में कमी आई है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। इसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदुओं की आबादी घटना चिंता का विषय है, कांग्रेस की नीतियों से ऐसा हो रहा है। और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता, जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है। आबादी पर नए आंकड़े आने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि सनातन को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश में जगह दी है।